कैसे हैं सभी। तो राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में आज बहुत कुछ है, खास करके मेरे किचन में इतनी सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो मेरे किचन में आज क्या क्या है फिर चलिए देखिए, आखिरी तक देखिएगा तो एक एक अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी चीज़ें। तो अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा बिल्कुल। तो चलिए फिर देखिए क्या क्या है। हमारा पालक फिर तैयार हो गया है, तो हम चल रहे हैं काटने। पूना जाने से पहले काटे थे, अभी फिर तैयार हो गया है। तो हमारे दाल के लिए पर्याप्त होगा, तब इसको काटेंगे। अभी भी दो पेड़ बचे हुए हैं, इतना पालक निकल गया उसके बावजूद। अब उसको छोड़ देते हैं किसी और दिन के लिए। तो इतनी पालक मेरी हो गई है जितना मुझे ज़रूरत है दाल में डालने के लिए। आज दाल थोड़ा अलग तरीके की बनाएंगे। अब इस पालक को अच्छे से हम धुल लेंगे खूब। पालक हमारी धुल चुकी है, दाल का आइटम रेडी है। नमक है, हल्दी है, कटा हुआ मिर्चा है, आम है और इसके बाद दाल धुल के रखी हुई है। तो हमारे आज का दाल का यही है कि पालक वाली दाल हमें बनानी है। इसके अलावा और बहुत कुछ खास है आज मेरे किचन में, तो मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बने रहिएगा। आज जो भी मेरा सुबह का सारा चीज़ें हैं वो सब दिखाएंगे कि सुबह हम क्या क्या काज करने वाले हैं और क्या खाएंगे क्या पियेंगे, क्योंकि सीजन जा रहा है आखिरी है तो उसका एंजॉय लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो फिर हमने कुकर में पानी डाल दिया है, अब पानी डाल के ये हम चढ़ा देंगे, चूँकि हम छोटे वाले चूल्हे पर ही दाल बनाते हैं, बड़े पे नहीं। अब पानी को गर्म होने देंगे, इसके बाद बताते हैं कि आगे हमें क्या क्या इसमें डालना है, कैसे डालना है, तो अपनी दाल कैसे बनानी है। पानी गुनगुना हो चुका है, अब इसे हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल से क्या रहता है, दाल बहती नहीं है और सोखियत आती है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पालक। तो हमने पालक डाल दिया, अब इसके बाद हम डालेंगे जो दाल का सारा आइटम हमने रख रखा है, ये इसे डालेंगे एक एक करके धीरे धीरे। अब दाल को खौलने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक दाल खौलेगी नहीं तब तक हम सीटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से सीटी लगा देंगे तो पत्तियां, ये पालक की पत्तियां जाके दाल के सीटी में चिपक जाएंगी तो फंसता है। तो जब खौल जाएगा तो ये गल जाएगा, फिर स्थिर हो जाएगा, तब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसके बाद एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बताने जा रहे हैं। वो टेस्टी सब्जी ये है, हमारे शुद्ध गाँव की भाषा में यानी हमारे जौनपुर भाषा में इसको खेक्सा कहा जाता है। अब यहाँ क्या कहा जाता है मैं तो नहीं जानती, कोई बिलायती करेला कहता है, कोई करेला का पता नहीं क्या क्या कहता है, मुझे नहीं पता। पर जो हमें पता है कि इसको खेक्सा कहते हैं। और इसका होता क्या था, जब हमारे जौनपुर ज़िले में सही जलालपुर के पास नदी किनारे खूब सारे सरपत होते हैं, सरपत मतलब जैसे झोपड़ियाँ बनती हैं, माघ मेला हुआ या कहीं भी साधु संन्यासी लोग जो झोपड़ी बनाते हैं, तो वो सरपत खूब हम लोगों के यहाँ होता है। कुरुई बीना जाता था, भौका बीना जाता था, मोनी बीनी जाती थी शादी ब्याह में देने के लिए। तो उसी सरपत के झाड़ पे ये झाड़ बना के चढ़ता था। तो ये तो बड़े बड़े यहाँ आते हैं हम लोगों के यहाँ, और छोटे छोटे नरम नरम खूब हरे हरे एकदम ताज़े ताज़े, इससे भी ज़्यादा हरे हरे मिलते थे। तो हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे और जाते थे, खूब तोड़ के ले आते थे, तो कड़वा बिल्कुल नहीं लगता, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि हमने प्याज ले लिया है, मिर्चा ले लिया है और इसे ले लिया है, इन्हीं तीनों से बनना है। थोड़ा तेल लगेगा, जीरा लगेगा। तो ये खेक्सा हम लोग बताइए इतना लाते थे, अभी तो 80 रुपये किलो, 20 रुपये का एक पाव लाए हैं। खाने वाले भी थोड़े लोग हैं तो इसलिए थोड़ा लिया, महंगा तो है ही है, लेकिन हम लोग तोड़ के ऐसे ही लाते थे। तो जब यहाँ बिकने लगा, जब हम शहर में आए देखे बिक रहा है, तो मुझे बड़ा अचंभा होता था कि अरे ये तो हम लोग तोड़ा करते थे, यहाँ बिकता है। तो ऐसा होता है गाँव देहात की चीज़ें, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब शहर में आ जाओ तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है कि कभी कभी पॉकेट से बाहर की चीज़ें होने लगती हैं। तो चलिए फिर इसको बनाने का तरीका बताते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है, मिर्चा तो मेरा कट गया है और प्याज भी मेरा कट गया है तड़के के लिए। और इसके बाद अब इसको ऐसे ही लंबे लंबे फांकी में काट लेंगे, पीस कहिए, हम लोगों के यहाँ फांकी कहा जाता है कि फांके में काट लेंगे। तो ये हमारा कट गया, इसके भी बीज करेले जैसे होते हैं, बस करेले का चपटा बीज होता है, इसके बीज थोड़ा गोले होते हैं, जैसे छोले वाला चना होता है सफ़ेद वाला, उस तरीके का। देखिए उसमें छोले वाले चने में इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो बीज इसका पका हुआ है तो इसको रखेंगे, देखते हैं गमले में लगाएंगे क्या रिजल्ट आता है।
तो दिखाएंगे आप लोगों को। बहरहाल ये सब मेरा कट चुका है, अब चलते हैं इसको बनाने। तो इधर हमारी दाल फूल रही है, अभी होने वाली है, खौलने लगेगी तभी सीटी लगाएंगे। तो सब्जी के लिए हमने गैस को कर लिया है ऑन, अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और इस सब्जी की भुजिया में दोस्तों तेल तो थोड़ा लगता है, ठीक है, तो थोड़ा तेल एक्स्ट्रा लगता है। जैसे करेले का दूसरा रूप है, बस करेला कड़वा होता है, ये कड़वा नहीं होता है। अब इसमें हमें डालेंगे पंचफोरन, मिर्ची को भी हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें डालेंगे हम दोस्तों प्याज, मेरी बहनें मेरा वीडियो बहुत देखती हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहुएं, मुझे पता है क्योंकि मैं देखती हूँ। तो 25 से 34 साल ये सब मेरी छोटी बहनें या बेटियां या बहुएं ही होती हैं। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहो बच्चों। मैं हाँ ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल को नहीं, लेकिन हाँ जो हमारा घर का है, जो हमारे घर पे हमेशा से बनता आया है, हम उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे। क्योंकि बाहर ही हम ना तो उतना ढाबा जाएँ, ना तो हम रेस्टोरेंट उतना जाएँ, बहुत कम जाते हैं रेयर इन केस, ना तो हम उन लोगों से मिलने जाते हैं। अभी हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि उन लोगों से मिलने जाएँ। बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, बस जो थोड़ा सा बनाते हैं वही दिखाते हैं आप लोगों को। इधर दाल हमारा, इसको चला देंगे थोड़ा सा। देखिए खोलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा और खोल जाए फिर सीटी लगाएं। तो तेल डालने का कमाल है कि दाल बाहर नहीं आ रही, नहीं अब तक पूरा बाहर फेंक देता, ये जो झाग बनाता है ना तुरंत बाहर आता। लेकिन ये जो तेल हमने डाल रखा है, तो ये ट्रिक है बहनों मेरी, इसको याद रखना। देखिए दाल मेरी खोल रही है, अब मैं इसे सीटी मारूंगी। तो सीटी लग गई, अब इधर मेरी प्याज भी रेडी हो गया है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा अगर भूनेंगे तो ये सब्जी मेरी नहीं भून पाएगी, फिर सब्जी रह जाएगी कच्ची और प्याज जल जाएगा। बस यही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, और भी तरीके से बनता है, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आसानी से, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ऐसा चीज़ बनाए कि आसानी से बन जाए, तो आसानी से बनने वाली यही है। अब इसको आँच को करेंगे बिल्कुल स्लो, एकदम धीमी आँच पे पकाना है इसको, और ढक देंगे। फिर इसमें नमक भी डाल देंगे, जिससे नमक थोड़ा गलाता भी रहेगा ना, नमक डालने से सब्जी थोड़ी जल्दी हो जाती है। जितनी आवश्यकता है उतनी नमक हमने डाल दिया। अब इसको चला देंगे अच्छे से, और इसके साथ मुझे रोटी बनानी है, दाल रोटी, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी को मेरे यहाँ चावल नहीं बनता। कोशिश करें सभी लोग एकादशी को चावल ना डालें तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप सबकी मर्जी, किसी को बांधना नहीं है, मुझे बता देना है, जो मानेगा अपने आप रुक जाएगा। तो इधर दाल इधर सब्जी मेरी दोनों हो रही है, तब तक आज का हम नाश्ता बताते हैं कि आज हम लोग नाश्ता क्या करने वाले हैं। खाना तो ये दाल सब्जी बना दिया, रोटी बाद में सीखेंगे, तो आज का नाश्ता क्या है हमारा वो दिखाते हैं। हमने ओट्स भिगो के रख लिया है, दूध में ओट्स है, चिया सीड है, और जो है क्या कहते हैं कि बादाम है, खजूर है, बस इतना आइटम भिगो दिया है, भिगो के थोड़ा सा लगा दिया है फ्रिज में। आपके पास फल हो तो फल भी डाल सकते हैं, मुझे चूंकि इसका मैंगो शेक बनाना था इसलिए हमने फल नहीं डाला, तो नहीं तो केला डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, संतरा डाल सकते हैं, लेकिन खट्टी चीज़ अगर डालेंगे तो दूध फटेगा। तो ये हो गया हमारा ओट्स, इसके बाद ये हो गया हमारा चना, चूँकि ये इतना मत सोचिएगा कि इतना ज़्यादा ये खाएंगे, हम लोग तीन लोग हैं खाने वाले। ये थोड़ा चना हो गया, मूंग हो गया, इसमें मूंगफली भी है कहीं कहीं, मूंगफली मुझे बहुत पसंद है, बीन के खा जाती हूँ। और ये आम है, अब इसका छीलेंगे, मैंगो शेक बनाएंगे, तो आज का हमारा नाश्ता भी साथ में इंक्लूडेड है। तो भैया आम मेरा छिल गया है, किसके किसके मुंह में पानी आया, मुझे तो आम इतना पसंद है कि मेरा आम ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने पतिदेव को बोला यार आम ख़त्म हो गया, कैसे चलेगा काम, बेचारे ढो के लेके चले आए, जबकि मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया है। पर हमने कहा कोई बात नहीं, जब तक आम है तब तक आम के आनंद लो, आम चला जाएगा, 2 किलो नहीं 4 किलो वजन कम कर लेंगे, पर जब तक आम है तब तक कोई समझौता नहीं, आम बहुत प्रिय है मुझे। तो सब्जी का कलर मेरे देखिए खिल के आना स्टार्ट हो रहा है, सब्जी होने वाली है, 2-3 मिनट और लगेंगे। और इधर दाल मेरा एकदम हो चुका है, अब गैस को करेंगे बंद हम। आम मेरा छिल कट के एकदम रेडी है, अब ये जाएगा जार में।
तो दोस्तों इसमें मीठा बिल्कुल नहीं डालेंगे, चूँकि मीठा हम नहीं डालते, चीनी वगैरह से थोड़ा दूरी बन गई है हम लोगों की। तो इसमें दूध डालेंगे अलबत्ता, तो इसमें ये दूध डाल देंगे हम, अब बाकी बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा दूध और बचा है, इसे भी ऐड कर लेंगे। थोड़ी आइस भी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और टेस्टी लगेगा ना। बिल्कुल से हमारा मैंगो शेक रेडी है। तो फिर हमारा कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे गिलास लग के बिल्कुल से एकदम रेडी हैं। किसे किसे पीना है आ जाओ। इधर मेरी सब्जी भी बिल्कुल रेडी है, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए सब्जी बिल्कुल पक के एकदम रेडी है, कोई कमी नहीं रह गई सब्जी में, एकदम लाल हो चुकी है मेरी सब्जी। अब गैस को करेंगे बंद हम। अब दाल को भी तड़क लेंगे, लहसुन मिर्चा कड़ी पत्ता थोड़ा सा राई लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा, थोड़ी सी राई, हींग, लहसुन, मिर्चा, फिर ये डाल देंगे हम लास्ट में कड़ी पत्ता। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। तड़का हमारा रेडी होने वाला है, दाल हमारी बिल्कुल से यार रेडी है एकदम से। आज थोड़ी पतली बनाई है हमने, चावल से खानी रहती गाढ़ी बनाते हैं, रोटी से खानी थोड़ी पतली बनाई है, बहुत पतली नहीं है, ठीक है। अब इसको तड़क देंगे हम। दाल हमारी बिल्कुल रेडी एकदम कंप्लीट खाने के लिए है, सब्जी बिल्कुल कंप्लीट है। आटा मार के रोटी सेक लेंगे, बस हो गया हमारा आज का भोजन। तो किसे किसे पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी भी और कुछ दिखाएंगे, बहुत स्पेशल अभी और भी कुछ है, पर इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। तो धन्यवाद प्रणाम मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों आज ये मेरे मेहनत का फल है, पालक वाले जो क्यारी से काटे थे उसका दाल है, और ये मिर्ची का अचार है, दही है, रोटी है, और ये खेक्सा की सब्जी है, और ये आम हमने निकाल दिया है बाहर। तो मेरा खाना रेडी है।